दोस्तों DSL ग्रुप का एक ऐसा प्रोडक्ट जो 2015 में लॉन्च होता है और लॉन्च होने के केवल 8 महीनों बाद 100 करोड़ की सेल कर जाता है, उसी के साथ में 2070 तक उस प्रोडक्ट की सेल 300 करोड़ से भी ज्यादा की हो जाती है। अब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पल्स कैंडी की, जो कि प्रेजेंट टाइम में भारत के हर कैंडी लवर के दिलो दिमाग में छा चुकी है। तो दोस्तों क्या है आखिर इस प्रोडक्ट के पीछे का राज कि केवल कुछ सालों के अंदर ही इसने इतनी बड़ी सेल को हासिल कर लिया और आज सभी के दिलों में राज कर रही है। आखिर DSL ग्रुप की इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको एक ब्रांड के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये बात है 2013 की, जिस टाइम पे भारत के अंदर एल्पेनलिपी, कच्चा आम और कॉफी को जैसे प्रोडक्ट भारत में लीड कर रहे थे। DSL कंपनी को कुछ ऐसा लग रहा था कि हम भी ऐसी कोई कैंडी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट के अंदर अपना एक कदम बढ़ा चुके हैं। उसी के साथ में दोस्तों 2013 में पल्स कैंडी का विचार इनके दिमाग में आया। इन्होंने सोचा कि हम कच्चा मैंगो फ्लेवर के साथ में एक कैंडी बनाते हैं। तब दोस्तों इन्होंने 2013 में रिसर्च करना स्टार्ट किया। लगभग 2 साल की रिसर्च में इन्होंने पता लगाया कि भारत के अंदर 70% लोग ऐसे हैं जो कि कच्चा आम के फ्लेवर को पसंद करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पार्ले जी की कच्चा आम मैंगो टॉफी बहुत ही ज्यादा चलन में चल रही थी। तो इन्होंने देखा कि हम कच्चे आम के साथ में कुछ ऐसा फ्लेवर, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका खाते से ही दिल खुश हो जाए। तो दोस्तों इन्होंने कच्चा आम फ्लेवर रखा। उसी के साथ में जब हम पल्स चॉकलेट को खाते हैं तो ऊपर से कच्चे आम का फ्लेवर आता है, और जब उसके अंदर कोर पार्ट में, सेंट्रल पार्ट के अंदर कुछ अलग टाइप के मसाले होते हैं। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर शुगर्स, आमचूर पाउडर, नमक और ऐसे स्पाइसी मसाले जब खाने के बाद में एकदम धमाके सा फील होता है। और ये आइडिया दोस्तों इनके दिमाग में तब आया कि अगर हम किसी पेड़ से कच्ची केरी को तोड़ कर लाते हैं तो उसको हम मसालों के साथ में लगा लगा कर खाया करते थे। तो ये शुरुआत हुई थी गांव से, लेकिन इन्होंने इस फ्लेवर को एक चॉकलेट में, एक छोटी सी कैंडी में तब्दील कर दिया और इसका, इस प्रोडक्ट का एक निर्माण करवाया। फिर दोस्तों इन्होंने मार्केट के अंदर इनकी कैंडी के कुछ सैंपल लॉन्च किए। छोटे छोटे रिटेलर स्टोर पर इन्होंने अपने प्रोडक्ट को लाना स्टार्ट किया। लोग जब खाते थे इस कैंडी को तो इनको एक अलग सा फ्लेवर आता था, जिससे कि लोगों को ये ज्यादा पसंद आने लगा। छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी इस कैंडी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे भी ये कैंडी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ में दोस्तों 2015 में इस कैंडी को पूरे सैंपलिंग के बाद में, ट्रायल के बाद में लॉन्च किया गया और भारत के अंदर ये कैंडी बहुत ज्यादा वायरल होने लगी। और केवल 8 महीनों के अंदर इस कैंडी ने 100 करोड़ की सेल का आंकड़ा पार कर लिया। अब दोस्तों ये सोचने जैसी बात है कि कैसे इन्होंने केवल 8 महीनों के अंदर 100 करोड़ की सेल को टच कर लिया, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसी के बाद में 2017 के अंदर इस कैंडी ने पूरे भारत के अंदर 300 करोड़ की सेल का आंकड़ा पार कर दिया। आज पूरे भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे जो नुक्कड़ पे दुकानें होती है वहां पर आपको पल्स कैंडी बिल्कुल नजर आएंगे, उसका बॉक्स आपको सामने ही नजर आएगा। इसी के साथ में दोस्तों ये कैंडी आज आउट ऑफ कंट्री के अंदर भी लॉन्च हो रही है, जैसे कि सिंगापुर, यूके, यूएसए के अंदर भी ये अपने एक रिटेलर स्टोर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके साथ दोस्तों पल्स कैंडी को लॉन्च करने वाली कंपनी DSL ग्रुप के बारे में हम थोड़ी सा डिस्कशन कर लेते हैं। DSL ग्रुप की शुरुआत दिल्ली के चांदनी चौक से मिस्टर धर्मपाल द्वारा हुई थी। दोस्तों ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते थे। फिर उनके बेटे ने इस कंपनी की कमान संभाली और इस कंपनी का नाम पिता पुत्र के नाम पर रखा गया, DSL ग्रुप, यानी कि धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड। इसी के साथ में दोस्तों बाप बेटों के दिमाग ने इस कंपनी को बहुत बड़े मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर हम दोस्तों बात करें तो ये कई कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों मैं अगर इनके प्रोडक्ट की बात करूं तो जैसे पास, चिंगल्स, तंबाकू, रजनीगंधा, पल्स कैंडी, तुलसी खजूर, बाबा इलायची, मेनी डिफरेंट टॉफी, कैच मसाले, स्नैक्स, मिल्क डेरी, वाटर कोल्ड ड्रिंक्स, अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट का ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और दोस्तों इनके भारत के अंदर लगभग 21 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसी के साथ में दोस्तों अब हम आते हैं इसके मेन मुद्दे पर कि इन्होंने केवल 8 महीनों के अंदर पल्स कैंडी ने आखिर 100 करोड़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट किया। तो दोस्तों मैं इसे केवल 3 की पॉइंट्स के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से इस की पॉइंट्स को देखिए और अपने बिजनेस के अंदर जरूर इन चीजों को अप्लाई करना। तो सबसे पहला था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है? अगर हम कोई कंपनी पहले स्टार्ट करते हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं बना होता है, यानी कि हम प्रोडक्ट को जल्दी एक्सपांड नहीं कर पाते, लोग हमारे प्रोडक्ट को नहीं पहचान पाते। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपका ऑलरेडी मार्केट के अंदर ब्रांड क्रिएट है, लोगों के माइंड में आपकी एक गुडविल क्रिएट हो चुकी है कि हाँ भाई DSL
चल के भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं। उसी के साथ में भारतीय नुक्कड़ों पर रिटेलर स्टोर पर आप देखेंगे तो डीएसएल के प्रोडक्ट आपको दिखेंगे, रजनीगंधा, कैंडीज, बाबा इलायची जैसे फेमस प्रोडक्ट जो कि पता है लोगों को कि डीएसएल कंपनी द्वारा बनाया गया है। फिर दोस्तों इन्होंने क्या किया कि पर्ल्स कैंडी को डायरेक्टली इसके बॉक्सेस बनाकर रिटेलर स्टोर पर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। उसी के बाद में लोगों को दिखा कि हाँ भाई पर्ल्स नाम की भी कोई नई कैंडी मार्केट के अंदर आई है। फिर दोस्तों इन्होंने पर्ल्स कैंडी को रिटेलर स्टोर पर डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। उसी के बाद में पर्ल्स कैंडी कोई भी रिटेलर स्टोर पर जाती तो पर्ल्स कैंडी के बॉक्स को फ्रंट में रखा जाता। जब भी कोई कस्टमर आता तो पर्ल्स कैंडी को देखता और अट्रैक्शन के कारण उस कैंडी को खरीदने का एक बार ट्राई करने का जरूर सोचता। इसी के साथ में अलग अलग मसालों के टेस्ट और फ्लेवर के साथ में ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने लगी और लोगों को काफी पसंद आने लगी। तो दोस्तों सबसे बड़ा इनको बेनिफिट इस चीज का मिला कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही कड़क था और आज पूरे भारत के अंदर ऑलरेडी इनके जो लीडिंग ब्रांड है जैसे रजनीगंधा, बाबा इलायची, तंबाकू जैसे प्रोडक्ट, तो उनकी वजह से भी पल्स कैंडी को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली। दोस्तों सेकंड आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है हर एक बिजनेस के लिए कि इसको यूज किए बिना किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा काम है। इसी के साथ में डीएसएल ग्रुप का पहले से ही एक प्रिंसिपल है कि ये जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च करते हैं। इसी के साथ में जब इन्होंने पास लॉन्च किया था तो पास के लिए भी इन्होंने 4 साल की रिसर्च की थी, उसके बाद में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था और तब जाके मार्केट के अंदर पास लोगों के दिलों में राज करने लगा। उसी के साथ में इन्होंने पल्स कैंडी के लिए भी मार्केट की से रिसर्च की, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो लोगों के दिलों को भा सके, लोग हमेशा रोजमर्रा जीवन में के खा सके। इसी के साथ में दोस्तों हमको यहां पर एक बिजनेस लेसन मिलता है कि जब भी हम मार्केट के अंदर हमारा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले तो मार्केट की रिसर्च करें किस तरीके से यह डेवलपमेंट हो सकता है, कौन से कस्टमर इस पर अट्रैक्ट होंगे, कौन से मार्केट के अंदर इसको लॉन्च करना है, सब कुछ डिटेल मार्केट रिसर्च कस्टमर बिहेवियर को जानने के बाद में आप कंपनी के प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए मार्केट के अंदर। दोस्तों थर्ड आता है पैकेजिंग। दोस्तों अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिसमें पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप पल्स कैंडी से ये चीज सीख सकते हो, क्योंकि पल्स कैंडी को आप जब भी देखोगे तो इसकी पैकेजिंग इतने मजेदार तरीके से की होती है कि ये कस्टमर को डायरेक्टली अट्रैक्ट करता है। जैसे आपने डेयरी मिल्क की पैकेजिंग देखी होंगी कि इसकी जो सुनहरे कलर की ब्लू कलर की पॉलिथीन आती है वो इतनी सुपरहिट दिखती है कि कस्टमर को जाते से ही शॉप पर डेयरी मिल्क दिखाई देती है कि हाँ भैया डेयरी मिल्क फ्रिज के अंदर रखी हुई है। उसी के साथ में इसकी जो कलरिंग है येलो कलर ऊपर आता है, नीचे ब्लैक आता है और ये लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है और हाथ में लेने के बाद में एक प्रोफेशनल सी कैंडी फील होती है, लोग इसको खाते हैं मजेदार तरीके से। दोस्तों अगर आपको कलर साइकोलॉजी के बारे में पता है तो आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि कलर भी कस्टमर को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इसी के साथ में दोस्तों कंपनी में जब भी कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करते हैं तो उसके कलर्स पर ध्यान दें, उसकी पैकेजिंग पर ध्यान दें कि किस तरीके से अपना प्रोडक्ट दिखता है, क्योंकि आज कस्टमर को अट्रैक्शन करने के लिए टेस्ट के साथ साथ पैकेजिंग भी जरूरी है। तो दोस्तों ये कुछ थे इसके 3 की पॉइंट्स। इसी के साथ में आपको पल्स कैंडी की स्टोरी कैसी लगी, इसका बिजनेस एनालिसिस कैसा लगा, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड केस स्टडी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बिजनेस टर्म्स के बारे में जानने के लिए मिलता है, जैसे कि आप अपने बिजनेस के अंदर बहुत कुछ इनोवेशन कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक